what should be the momentum of a particle if its de Broglie wavelength is 1 angstrom? देखो अब यहाँ पे h का वैल्यू प्रोवाइड कर दिया इन्होंने अर्क सेकंड में, है ना, तो दे दिया तो क्लिक हो जाएगा, नहीं दिया तो फिर बत्ती नहीं जलती है। हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है, सिंपल सा रिलेशन है h अपॉन में p, है ना, तो मोमेंटम तो निकालना है, सो दिस विल बी इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। h है 6.6 इंटू 10^-27 अर्ग सेकेंड्स, और जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है। अब देखो अब ये वेवलेंथ जो है एंगस्ट्रॉम में, आंसर निकालना है सेंटीमीटर, हाँ ग्राम सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। अब 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है मेरा कितने के इक्वल होता है, 10^-10 मीटर के, कितने सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा, 10^-8 सेंटीमीटर, तो ये हमें देखना है ना, कि मीटर को आप जब सेंटीमीटर में करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, मतलब 10^2 से, और -10 और +2 कितना होता है, 10^-8 सेंटीमीटर, तो मैं 1 एंगस्ट्रॉम को डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगी, 10^-8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मोमेंटम कितना आएगा मेरा, 6.6 इंटू 10^ ये है -27 ये है 8, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 19 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो दिस इज द आंसर, 6.6 इंटू 10^-19, 27 एंड 8 इज 19 ओनली, ओके, है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।